हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी दो पैकेट एक्चुअली अमेजन से मैंने ऑर्डर किया था, ये है दोनों। ये आज ही शाम को पहुंचा है, ये डिलीवरी करके गया कुरियर वाला। तो इसमें जो है ये है मेरे राइडिंग के सेफ्टी के सामग्री है ये सारे। तो ये मैंने अमेजन से किया था 3 दिन पहले ऑर्डर, तो जल्दी जल्दी ये लोग टाइम पे पहुंचा दिए हैं, डिलीवरी भी हो गया उनके सामान का। तो ये अभी मैं खोल के देखता हूँ कैसा है एग्जैक्टली। तो इसमें जो है एक ग्लव्स है, रेडिंग ग्लव्स, अभी तो फ़िलहाल के लिए काफ़ी है मेरे लिए। तो रेडिंग ग्लव्स जो है इसका खोलना पड़ेगा, ये रहा। एक्चुअली राइडिंग ग्लव्स का बहुत ज़रूरत था मुझे, जो मेरे पास नहीं था, पुराने जो भी थे वो लेदर के, तो उसमें मज़ा नहीं आता है। तो ये जो है सेफ्टी के पर्पस के लिए सही है, फिंगर्स नकल्स सब कुछ का सेफ्टी है इसमें। ये है इसका ब्रांड का नाम मुझे, हाँ KTM है ब्रांड। अब ये पता नहीं कि KTM कौन सा वाला KTM है। ये रहा, आई थिंक बुरा नहीं है, सही है। पहन के भी देख लेता हूँ। ओके, नॉट बैड। ये है, क्या कहते हो आप कैसा है? इसको मैंने मंगवाया था 325 पैर, तो डील सही है, क्या कहता हूँ, बुरा नहीं है। अरे यार गुच्छा, तो ये रहा दोनों हाथों का, ऐसे बैठ के सही है, ठीक है, मुझे तो मजा आ गया भाई। ओके, अभी जो है टाइम इसका नेक्स्ट जो चीज है ये है सेफ्टी गार्ड। कहाँ के लिए? एल्बो गार्ड है और शीन और नी गार्ड, जो मैंने सुना है मतलब बहुत ज़रूरत है। तो एक ज़माना था जो हम राइड करते थे मैंने पुरानी बुलेट से, आपको पता ही होगा, मैंने अपने पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। तो बहुत लंबी राइड भी अगर होता था तो उसमें कभी भी हमने ये सब चीज़ें तो सुना भी नहीं, ना देखा है, ना पहना है कभी। तो अभी जो है ज़माने के साथ साथ चलना है, ज़माने के सुरताल के साथ, तो वो उसके मद्देनज़र रखते हुए भाई मंगा लिया। तो अभी इसके बाद धीरे धीरे राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट, राइडिंग बूट्स, ये सब कुछ भी आना है। एनीवे, तो खोल के देखता हूँ कैसा है ये एक्जैक्टली। इसको मुझे पड़ा था 950। ये थोड़ा सा मेटल ये है दोस्तों, ये देखो इस तरह से सही तरह से पैक है इसके बैग में। ये बैग कटा हुआ भी है थोड़ा सा, ये देखो, ये थोड़ा केयरलेस है ये लोग, खुलने से पता चलेगा क्या है। तो ये प्रो रेसिंग इक्विपमेंट ब्रांड का नाम है जो भी है। इसको खोलना भी एक बहुत बड़ा मसला है, कैसे खुलेगा भाई, कटना पड़ेगा। आई थिंक ये बहुत सील किया हुआ है, यहाँ से खुल जाएगा तो क्या होगा। ओके, स्टिच भी लगा हुआ है इसमें, तो मेरे पास भी है खतरनाक वाला कटर। ओह क्या मक्खन जैसा कट गया भाई। इसका देख हम काट के क्या निकलते हैं अंदर से। ये रहा एकदम, ये जो मामला थोड़ा सा मेटल वाला है हैवी मेटल, झिंग झिंग करके बजने लगेगा थोड़ी देर में। तो इसको, इसका जो है स्टील का है और एलॉय का है, जब मैंने लिया था
ठीक है, मैं एक्चुअली ये ज़्यादा चमकेगा बट सेफ्टी पर्पज़ के लिए आई थिंक सही रहेगा, ये सोच के मैंने ये लिया था। तो इसमें ये है आपका, ये दोनों, ये नी और शीन के हो गए, और ये आ गया एल्बो, ये जो पैर है ये एल्बो के है। तो नॉट बैड, क्या कहते हो, थोड़ा सा चमकेगा ज़्यादा बट ओके। यहाँ लगेगा ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, ऐसा करके लग जाएगा। जो भी है, मेरा भी एक्साइटमेंट हो रहा है ये सब गियर शेयर देख के, तो मैं अपना नेक्स्ट राइड के लिए तैयार हो रहा हूँ, रेडी हो रहा हूँ, राइड पे निकलना है नेक्स्ट। तो उसमें आई थिंक, आई होप ये काम आएगा, बहुत काम क्या आएगा, काम ना आए तो अच्छा है, बस लगा रहे काम ना आए मतलब कुछ ऐसा ना हो जाए कि काम आ गया ये, ठीक है ना। फिर भी सेफ्टी के पर्पज़ से भाई ले लेना चाहिए ये सब चीज़ें, एकदम वो लग रहा हूँ मेटल गॉड वॉरियर, मेटालिका या आयरन मैडन का कोई वो लग रहा हूँ गिटारिस्ट। तो नॉट बैड, ये सही है, फिट शिट तो सही लग रहा है मुझे, कंफर्टेबल भी है ऐसे। तो दोस्तों ये रहा, अभी मुझे एक चीज़ और लेनी है जो बहुत जरूर, बहुत 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 ही ज़रूरत है, वो है अगर आपके पास ट्यूब्ड टायर हो तो उसके लिए एक खरीदना है लिक्विड पंचर, एंटी पंचर लिक्विड एक आता है, मोटुल का भी है, अच्छा है मोटुल का। अगर पंचर हो गया आप बस उसमें लगाओ बल्ब में और उसको स्प्रे कर दो, अंदर जाके वो अपने आप उसको हवा भी डाल देगा और पंचर भी बंद करा देगा। तो ये बहुत ज़रूरी है राइड के लिए, क्योंकि अब पहाड़ जंगल में घुसे हुए हो और हो गया पंचर, तो बस वही जंगल में आपको रह जाना पड़ेगा। तो ये सब है एनीवे। तो दोस्तों यही बताया, आप भी ये ले सकते हो, जैसे ये देखो अंदर से भी सही है, क्वाइट नाइस, फील भी अच्छा है, ये अंदर से भी सही लग रहा है, ये देखो, और ये बाहर से ऐसा है टोटल इस तरह से देखने में है, और इसकी आवाज, ये हार्ड है थोड़ा सा लेकिन ये इस तरह से बैंड हो जाता है।